रहे हो ठीक है? पीछो के बात कर। ये हाथ माता मेरे पे मत चला, तोड़ के ना यूं फेंक दूंगा तेरे को। क्या है तू? क्या हेलो, हाथ नीचे औकात ना। उसने उल्टा भी बोला तू करके भी कि निकल यहां से। इनकी औकात जो होती है उनको वैसे ही। औकात की बात मत कर ठीक है, ड्रामे मत कर। इसके घर वालों को ऐसे ऐसी कर रही है तू, है रुला इधर ही उसको। जानती है बोल बोल सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी टीम सुपर्णा को। सो मैं हूं रजत वर्मा और आज इनको तो आप जानते हैं भाई। मैं हूं जस्सू 2.2 से जसराम और भाई आरवी टीम से अनुराग। सो गाइस, आज की जो दिक्कत आई मेरे पास आई रवि भाई की। रवि भाई की सबसे बड़ी दिक्कत है उनकी वाइफ को लेकर। मैं चाहूंगा रवि भाई, जो दिक्कत परेशानी आपने मुझे शेयर करी थी ना भाई सामने कैमरे पे देख के, हमारे व्यूवर्स को बताओ भाई क्या दिक्कत परेशानी आपको। रजत भाई, पहली बात ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया सर। भाई तो इमोशनल मत हो बिल्कुल मेरे भाई, तो बिल्कुल इमोशनल मत हो, देख प्लीज इमोशनल मत हो। बहुत घबराया हूं। नहीं नहीं क्या बोलूं, देख भाई देख प्लीज। मेरी वाइफ है ना, मेरी वाइफ को 2 साल हो गए शादी करे हुए, वो और किसी के साथ। हाँ बोलो बोलो भाई, बताओ बताओ तुम। और किसी के साथ मतलब रिलेशन में रह रही है, मैं वो सब बहुत अवॉइड करती है मेरे को। भाई देखो, पहली बात तो आप यार रो मत, रजत भाई समझा दे, रोए ना यार। भाई देखो रो मत, देखो इस चीज का भाई सलूशन रोना नहीं है ठीक है। आपको मुझे पता है बहुत रोया, और आप कहते घर पे मम्मी पे भी हाथ उठाया था उसने। हाँ मेरी मम्मी पे भी हाथ उठाती है, गाली भी देती है मेरी मम्मी को। और अगर मैं जब तक रहूँगा मेरे पापा को खाना देती है मम्मी को, और मेरे जाते ही अपना असली रंग दिखा देती है, मतलब कैसी वो है। जबकि ये भाई पता इतना रजत, जबकि ये भाई इतना अच्छा काम करता है फोटोग्राफी का, देख नहीं रहा फोटोग्राफी का। हाँ भाई अपना घर जैसे भी चला लेता। और भाई सारी सैलरी तो उसके हाथ में रखते है, बता रहा था। हाँ भाई मेरे को बस खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं। देख रहा प्लीज क्या शांत हो जा, मेरा भाई है ना, भाई मानते हैं ना, शांत हो मेरा भाई ना, प्लीज शांत हो जा, शांत प्लीज भाई, तो शांत प्लीज, एक मिनट शांत ठीक है। सो भाई रवि की सबसे बड़ी दिक्कत आई उसकी वाइफ को लेके, मतलब कहते हैं ना कितनी गिरी हुई लड़की कैसी, मतलब क्या सोच लेती है ठीक है। रवि देख भाई, तेरी वाइफ का नंबर वगैरह लिया था जो सोशल एंड इंस्टाग्राम वगैरह। हाँ जी, ये दोनों भाई ने उस पर बात करी है। हाँ जी ठीक है, तो दोनों भाई ने बात करी, आज उसे मिलने के लिए बुलाया, दोनों भाई ने अलग अलग टाइम दे रखा है ठीक है। आपका 4 बजे, इनका 2:30 बजे है। बिल्कुल ठीक है, पर मैं ये बोलूंगा कि एक काम करोगे, पहले आप मिलोगे जस्सू भाई। भाई प्लीज यार, प्लीज प्लीज रो क्यों रहा है अभी, प्लीज यार भाई, ऐसा सोचा नहीं था मेरी वाइफ ऐसा होगी दो के साथ। भाई भाई आज भाई आपके सामने भाई असली ये तो चीज़, हम आपके दोस्त हैं इस वजह से आपको पता है कि दो हैं और भी। तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, देख भाई मानता है ना, एक बार शांत हो जा बस ठीक है, उसके बाद पोल पट्टी मैं खोलूंगा सारी, कोऑपरेट कर बस ठीक है। थोड़ा चलो सोचा था मैंने यार घर में यार इज्जत कर रही है यार, घर के बाहर भी नीलाम करवा रही है यार, ये तो इज्जत। जसु भाई ये होता है लव मैरिज, और लव मैरिज में ये होता है। अब प्लीज यार थोड़ी देर ना संभाल लो, देखो कैमरा लग रहा है सब कुछ, जितना तू थोड़ी देर हिम्मत कर ले, तुम्हें हो रहा है ना, तू क्या चाहता है, डिवोर्स करना चाहता है अब? हां सर डिवोर्स चाहता है ना। डिवोर्स नहीं सर, मैं चाहता भी उसे, मेरा मन नहीं करता उसे डिवोर्स देने का सर। देख भाई मैं मजबूर कर, देख भाई देख, हम भाई क्या कर सकते हैं, हम भाई खाली हेल्प कर सकते हैं तेरी ठीक है। वो आ रही है भाई, अब असली रंग अपना दिखाएगी, उसके बाद तेरे को समझ जाना चाहिए कि यार वो तेरे घर का मैटर है, तू क्या करना चाहता है ठीक है। तो भाई पहले आपसे मिलने आ रही हो, बिल्कुल ठीक है, बात होगी थी ना, बात कर ली, तेरे से भी होगी बात। भाई देख फोन पहले करवा दिया था इसीलिए कि मैं बीच में यार, तू और सैड ना होगी, तू सामने बात करें तेरे तुझे और देख, तुझे देख तो गाइस इसलिए भाई के सामने बात नहीं करवाई क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है सीन इस वजह से गाइस। तो वेट करते हैं उसका आने वाली, बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दिया करो गाइस, और जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गाइस बाकी मिलता हूँ वीडियो के साथ। हेलो कैसे हो? बढ़िया बस मैं अच्छा हूँ, बस कुछ नहीं बैठा था, आपका ही वेट कर रहा था मैं, चलो मिलने के लिए आओगे। और बताओ क्या हाल चाल? बढ़िया आप सुनाओ? क्या बात है, नेक्स्ट लेवल लग रहे हो आए तो। थैंक यू। 4-5 दिन हो गए जब से हम लोग बातें कर रहे हैं। एक बात बताओ, जो तुम हम वीडियो कॉल करते हैं जो भी इंस्टाग्राम पे, यार फिल्टर लगा के तुम भाई नेक्स्ट लेवल लगते हो, वैसे भी ना बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो कसम से। और बताओ क्या हाल चाल? बस कुछ नहीं, बढ़िया। देखो भाई अगर इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिल रही है तो बंदा क्या करेगा, क्या करेगा, नॉर्मल सी चीज़ है, प्यार करेगा, आपको क्या करेगा? बिल्कुल प्यार मोहब्बत तो हो ही जाता है। पहले आप मुझे बताओ सिंगल हो ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं नहीं ऐसी कोई दो चार लोन और पाल के? अरे नहीं यार, और शादी शुदा तो नहीं हो? चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं बिल्कुल सिंदूर भी नहीं लगाया, कोई बात नहीं, बस साथ लड़की हो? नहीं बिल्कुल बहुत मुझे दिख रहे हैं लड़की हो ना, जब तो मैंने तुम्हें बुलाया ना यहाँ पे, वैसे बहुत प्यारे लग रहे। थैंक यू।
थैंक यू बोलना होता है। और क्या बोलूं बाबू सोना, आई लव यू। अरे आई लव यू तो यार, आई लव यू बाबू सोना तो होता ही रहता है हमारा, वो तो बार बार। तो बाबू सोना हो तो आप बाबू सोना बताओ, कुछ करना है, कुछ खाना पीना हो तो मैं और कुछ तो बता सकता हूँ। क्या मैं आपको बोल सकती हूँ? बस मेरा मन कुछ और है, मैं यहाँ पे कुछ कह नहीं सकती। क्या मैंने बोल दूँ ना, कोई नहीं है ना पब्लिक, यहाँ पे कोई नहीं है, देखो आस पास कोई नहीं है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मेरा फ्लैट है, मेरी फ्लैट पे चलो वहाँ इंजॉय करेंगे। आपके फ्लैट पर और क्या, बियर बियर लेके आएंगे, इंजॉय करेंगे, खाए पियेंगे, मस्ती करेंगे, बियर वगैरह। चलो फिर तगड़े चलिए। तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा ना, यहाँ पे मूड बना दो, ठीक है? फिर फ्लैट पे चलते हैं, मूड बना दो ना। क्या हो जाए इधर में चलते ना, इधर मैं चले। क्या हुआ? कुछ नहीं। डर क्यों रहे? देखो कोई नहीं, नहीं नहीं मैं पहले ध्यान करूँ क्या साउंड आ रहा है, ये कौन सा क्या निकल रहा है, डिस्टर्ब करता है। और बताओ। बस मैं अच्छा हूँ। शर्ट अच्छी लग रही है। शर्ट भाई महंगी है, कौन सी क्या बोलते हैं, गुच्ची गुच्ची और क्या ब्रांडेड लेके आते। मेरी दीदी है ना, उन्होंने गिफ्ट दी थी। किस पे कॉल आ रहा है यार, दो तीन बार बज गया, मैं कुछ बोला नहीं। फोन आते रहते हैं जो ऐसे ऐसे चूतियों को क्यों नंबर दे दो आप यार, क्या करें। चलो कोई ना, होता रहता है। फ्लैट पे तो हम चलेंगे, लेकिन अगर और कुछ अगर तुम्हारा प्लान हो तो। कुछ नहीं, चलो वहाँ पे घूम के आते हैं थोड़ी देर इधर में। और क्या, अरे चलो आ जाओ घूम के आते हैं। वैसे क्या कुछ करना है तुम्हें? कुछ नहीं, बस मूड बन रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मूड बन रहा है तुम्हारा। यहाँ पे क्या कह सकते हैं भाई, अगर इतनी हॉट बंदी हो तो मूड तो किसी का भी बने। हाँ वो तो है, वो तो है। और बताओ, और बताओ कैसे हो? बस कुछ नहीं, मैं सोच रहा था मैं, चलो अब आ ही गए तो फिर बात बात। हाँ, क्या बात करें? एक बात बताओ, तुम मूड कैसे बना रहे हो? वापस देखो, गर्लफ्रेंड ज्यादातर मैंने बनाई नहीं पहले, लेकिन फर्स्ट टाइम ही मान सकते हो जो कि हम पहली बार है। ओह नाइस। तो और कुछ तो नहीं, बोलो ना, बोल तो भाई, क्योंकि क्या बोल सकते हो? तुम्हारी आंखों में ना कुछ और ही चीज मुझे नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है बताओ? नहीं कुछ अलग ही, बस कुछ करना चाह रही हूँ तो करूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, मास्क लगा के करोगे? और क्या, लो तुम्हारे लिए उतार देती हूँ बेबी। ठीक है, और बताओ। माँ कसम मास्क निकाल के ना एक क्लास लग रही है। थैंक यू। तो बताओ क्या क्या करना चाहते हो? किस करना चाहती हूँ? करोगे? और पक्का? पक्का। मुझे ना थोड़ा इधर उधर देख, इधर उधर क्या यार, हम दोनों हैं, इतना ही होता है। नहीं कोई है तो नहीं, फिर नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं है, खाली है। फिर यहाँ पर किस करके बाद फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे। यही करेंगे इंजॉय। पक्का? पक्का। तो किस करें? हाँ पहले ये सही करो, लिपस्टिक कौन सी लगा कर आई हो यार? रेड है। कसम से कितने प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। तो चलो किस करते हैं, ठीक है? अच्छे से करूँ ना यार, ऐसे डरे हुए क्यों कर रहे? नहीं नहीं डरी भी नहीं हूँ यार, बस समझ आ गया सच में भाई। तो यार नेक्स्ट लेवल निकली तूने ना मेरा यार। कॉल किसका आ रहा है? किसी का नहीं कर रहा है, साइलेंट और कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, साइलेंट में होता रहता है, कुछ लेना ना देना। चलो यार फर्स्ट नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अब मेरा मुझे कहीं जाना है यार, वो कॉल आ रही है बार बार मुझे। किसका कॉल आ रहा है? मुझे फ्रेंड है, फ्रेंड की कॉल आ रही है, वो बर्थडे पार्टी है ना वहाँ पे, मैंने बोला ही तो आपको टाइम दे दिया मैंने इतना, कहीं आपको बुरा ना लग जाए इस वजह से। बुरा नहीं यार, मेरा तो मूड बन जाए तो चल देना, दारू वारू का मैं अरेंजमेंट कर लेता हूं। चलिए यार, बाय। हां बाय बाय बाय। चलो ठीक है, और तो फिर कब मिलोगे? फिर पता नहीं, गले मन नहीं कर रहा मैं छोड़ने का कसम से। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम पक्का मिल लेना। यस। कहाँ पे? अब ऐसा करना, डायरेक्ट फ्लैट पे ही बुलाना, ठीक है? okay. यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है? बाय, लव यू, आई लव यू, लव यू टू। अच्छा करना है, लो चलो कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है? बाय okay. बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ जी, कहाँ रह गए? और क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ। बैठो यहाँ, यहाँ बुला यार, यहाँ बैठेंगे। तो कहाँ बैठे बताओ? अरे कोई चीज देखे, देखते नहीं है कहाँ बुला। चलो घूमने चलते हैं, यहाँ से घूमते हैं। तो अब बाय तो थोड़ी देर बैठ जाओ यार, बैठ के बात कर लो। अब बोलो कैसे हो बताओ? बढ़िया। एक बात बताओ, वैसे तो हम फोन पे जब बात करते हैं तो इतना मजा नहीं आता, देख के अभी थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है कि मतलब रियल में इतनी खूबसूरत हो जितना दिखा रही थी। देख लो आपके सामने हो, आपको कैसे लग रहा है? वो तो मैंने जब भी देख लिया था तो वीडियो कॉल करा था। देख लो आपके सामने हूँ, जैसी भी हूँ, बुरी हूँ, अच्छी हूँ। नहीं ठीक हो यार, अच्छी खासी तो लग रही हूँ। ये टैटू कैसे बनवाया? अच्छा लग रहा है ये। थैंक यू। हाँ मेहंदी किसके नाम की लगाई है? पति के नाम की लगाई है? अच्छा।
और तुम्हारे पति ऐसे ही ना हो? कौन पति ऐसे ना तुम्हारे? तुम बता रही थी चूते आई है। अरे वो मैं क्या सीन है उसका, मतलब है क्या, क्यों है तुम्हारे साथ वो? फिर अभी जब चूतिया तो है क्यों? बस पागल है वो, मैं उससे इतना मतलब नहीं रखती। क्यों? I don't know. कितना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को? अभी ज्यादा छोड़ो ना, कितना भी टाइम हमें करना है। हमें क्या, हमें अपने दूसरे से टाइम निकालना है, उससे लेना है आपको कुछ? आपको उसके पास ही भेज दूं? अरे भाई मैं तो तुम्हारे पास आऊं तो उसके पास क्यों भेजोगी? और बताओ। और बस बढ़िया यार, आपसे मिलना था, आ गया। और आप भी कितनी अच्छी एक कॉल में आ गई हैं। आप बुलाओगी इतने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगी। नहीं आना पड़ेगा, नहीं आऊंगी तो फिर आप बुरा नहीं लग जाएगा? और जब बुरा लगेगा दिल टूट जाएगा मेरा, आपका दिल नहीं तोड़ना, ठीक है? हाँ तो फिर यहीं बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे, कहीं और का भी सीन करते हैं। आऊंगी, चलो कहाँ लेके जाओगे घुमा के? कहाँ कहाँ, कहीं भी चलो। अरे तुम तो ओयो का बोल रही थी, कहीं भी ऐसे रोड पे घुमाओगी? नहीं नहीं, तो चलो फिर ओयो में चलो घूम के आओ। ओयो पक्का? पक्का, देख लो ओयो तो खतरनाक ही लगा फिर वहाँ पे। क्या हो जाएगा? खतरनाक हो जाएगा फिर, कुछ गलती हो जाएगा फिर, बोल जाएगा क्या हो गया? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अच्छा और क्या पीती क्या तुम, दारू ड्रिंक वगैरह कुछ? वोडका वोडका बियर शियर पैसे एंजॉय करते हम। नहीं फिर ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना मेरे को। अच्छा मजा चाहिए, फील चाहिए, फील के साथ करने में मजा आता है यार, तुम समझ नहीं रही। और क्या, जो फील है अंदर से उस करने के बाद फील आती है, जब करने में मजा आता है। अच्छा अंदर की भावना, जानवर जग जाता अंदर का। जानवर ही जगाना तुम्हें अंदर का। अच्छा जानवर जगा के एंजॉय करना है। ऐसे एंजॉय नहीं होगा, ऐसे एंजॉय ऐसा घंटा मजा नहीं आएगा यार, क्या ही बताऊं। तो बताओ फिर, ऐसे पीना पड़ेगा ना? अच्छा हाँ तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसके लिए ना मजा नहीं आएगा। कहाँ कहाँ इस साइड से? चलो तुम लेके जा रही हो? यस। तुम्हारी मतलब, तुम मतलब आसपास तुम्हें पता है ना कहाँ मिल जाएगी? लेके जा रही हो तो पता है ना मिल जाएगी? हाँ हाँ तो चलो। ओके क्या, तो चलो फिर हम। मजा आएगा वैसे काफी। यहाँ क्या करोगे? खड़े हो जाते हैं। पेड़ है यार, क्या अजीब क्या हो गया, तो पेड़ है। बैठ के बात कर लेते से, खड़े होके बात कर लेंगे, दिक्कत है? नहीं बोलो, बताओ दिक्कत है तो? क्या दिक्कत होगी यार मुझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना, बस कंफर्टेबल हो? बिल्कुल कंफर्टेबल। और बताओ कैसे हो? ऐसे ही हूँ यार, बस ऐसे खड़ा करके या पोज वोज लेना, फोटो खिंचवानी है? पोज ले लेंगे, बताओ आप बुलाऊं? मुझे लगा कुछ और ही लग रहा था मुझे, ऐसे तुम पोज दे रही हो खड़ी होकर फोटो खिंचा रही हो, तो क्या ऐसे ऐसे कौन करेगा? कर लूं कैसे? कर लूं, कर लूं। बस क्या हुआ? सोचा था तेरे बारे में क्या निकले। तुम बात करो, क्या चल रहा था यहाँ पे? ये वही हस्बैंड सोच रखा था मैंने, ऐसा सोचा भी नहीं था आपके बारे में कि आप ऐसा मेरे साथ करोगी। क्या करूँ तेरे साथ फिर? मेरे बाप, मेरे माँ बाप को तो टॉर्चर कर ही रही हो यार, और क्या करोगी आप? बाहर भी अब ये ऐसा करने लगी। तेरे में ऐसा है क्या जो तेरे साथ मैं कुछ करूँगी? तेरे में क्या ऐसा कर रही हो? तेरे में क्या ऐसा? तू बता, इधर इधर घूम। तेरे में क्या ऐसा? तुम कौन हो? तेरे में क्या ऐसा? तुम कौन हो भाई? इधर इधर, ये मेरा भाई है। तेरे में क्या ऐसा है बता? इसको किस लिए लेके आया है? ये असलियत आपके घर वालों को भी पता चले। अच्छा तो दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा। दिखा ले। तू मुझे एक बात बता। मैं फोन करूंगा आपकी मम्मी को। एक बात बता, पहले तो तमीज में बात कर। बोल बोल, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। मेरे को ना बोल बोल मत बोल, तेरे को पहले बोल रही हूँ, ठीक है? पीछे की बात कर। ये हाथ मारता मेरे पे मत चला, तोड़ के ना यूं फेंक दूंगा तेरे को। क्या है तू? क्या हेलो, हाथ नीचे और हाथ ना जितनी है ना उतनी बन के बात कर। नहीं इसलिए लेके आया, मुंह तोड़ दूंगा इसलिए लेके आया। ठीक है, और क्या करूं, समझा रहा हूं बड़ा। यहां पे तेरे अंदर कुछ है नहीं, क्या करूं? तेरे अंदर कुछ है नहीं, तेरे अंदर कुछ है? ओ हेलो, तेरे अंदर कुछ है? लगी पड़ी है, रुक जा, लगी पड़ी है उसके साथ। नहीं होगा, नहीं होगा। तू पिटाई खाने आएगा यहां पे? तू तू पिटाई खाने आएगा? भाई ये मेरा जब तक तो नहीं उठा सकता। लगा पीछे हो, पीछे हो, थप्पड़ में बहरा कर दूंगा। इधर आ जा, प्यार से बात कर दस्सू। बात कर, मेरे को जानती है, भूल गई, जानती है, भूल गई। बोल, अब जो बोल रहा हूँ ना वो सुन लेना ध्यान से, अगर चबड़ चबड़ की। नहीं, जिसके साथ इसकी चुम्बा चाटी चल रही है, तुम ही लोग बात करो उससे। करण बात कर इससे, बहन बात करेगा। कौन है तेरा? रुक, कुछ पूछ रहा हूँ, कौन है? कौन है? यस नो में आंसर दे दे, कौन है तेरा? ये कुछ पूछ रहा हूँ, बोलेगी बार बकले पति है तो? मेरे साथ क्या चीट कर रही है तू?
मेरे साथ क्या चीट कर रही है बहनचोद, तू मेरा पैसा खा ली पति। एक मिनट, चीट हां चीट, अबे जब चीट ये देखना कि सामने पति है और तेरे साथ कर रही है, तू पूछ रहा है मेरे साथ क्या चीट कर रही है, जब सबसे बड़ा चीट तो लेके बैठी हुई है, तो तू क्या, तू तो बच्चा है इसके आगे चीट के मामले में। अब तू एक बात बता दे मुझे प्यार से, तूने इसको तो चीट करा, तूने इसके घर वालों पे कैसे हाथ उठाया? पेरेंट्स का मतलब समझती है तू? समझती है मतलब पेरेंट्स का? बाप होते हैं बस, हाँ अपने घर, अपने घर वालों पे कभी बोल, अरे एक मिनट अपने घर वालों से तो रोने वाले काम करेगा, रोने वाले काम करेगा तो रोएगा ना। एक मिनट सही से बात कर इससे। मैं एक चीज बताऊं तुझे, देख अनुराग इधर, एक चीज बताऊं तुझे ठीक है प्यार से, जो सबसे बड़ी चीज जिसने पता सबसे बड़ी गलती क्या की, तू जैसी लड़की से शादी कर गया ठीक है, और तू जैसी लड़की से अगर शादी करी है तो यार देख, अगर तू ये सब कर रही है उसका फल तो मिलना चाहिए ना, सीरियसली इन सब ने तो तुझे दे दिया, मेरी तरफ से भी ले लेना, मेरी तरफ से भी ले ले, इधर आ इधर चल, तेरी बहन फाड़ दूंगा तेरी, फाड़ दूंगा तेरी, ये करवाएगा औकात मेरा, उंगली नीचे कर औकात, उधर एक मिनट औकात मेरा, तेरे को पहले बोल रहा हूं, इधर इधर बात कर, इधर इधर मत देख, इधर बात तेरे को पहले, और सुन ज्यादा ज्यादा ये आवाज जो पैं 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 चल रही है ना, जरा एक बार वहां देख ले कैमरा लगा, देखो जरा एक बार सामने देख ले, तेरी असलियत निकालवाने के लिए मैंने अपने भाई को बुलाया, कम से कम मेरे भाई ने सुनी तो यार मेरी, तेरे जैसी नहीं है, इन लोगों को बुला के क्या हो रहा है, तेरे घर वालों को दिखाऊंगा तेरी असलियत, तेरी जो ये क्या करूंगा, क्या करेगा तू सोच लियो कि क्या कर सकता हूँ मैं, ये मत सोच, तू करेगा ये मत सोच, अरे ये नहीं करेगा हम करेंगे, एक एक मिनट एक मिनट, तूने करा क्या है मेरे लिए, हम करेंगे, तूने क्या कराया आज तक मेरे लिए, पैसे देता था यार, क्या करता था तेरे लिए, सारी सैलरी देता था, पैसे ही सब कुछ होता है, प्यार कुछ नहीं होता, क्या दूं तेरे को, प्यार कुछ नहीं होता, क्या चाहिए, काहे का प्यार चाहिए, पैसा क्या चाहिए, प्यार बार बार ऐसा प्यार चाहिए, ऐसा बड़ा बिस्तर में 11 बच्चों के साथ जो सोए उसको प्यार कहते हैं, तुम्हारे हिंदी सेंस है, ये होता है तुम्हारे मतलब में प्यार है, यही होता है ना, तो एक काम कर ठीक है भाई, उतार लो आज सोले हमारे साथ भी, चल 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 आज हमारे साथ भी कर ले जो करना, चल इतनी कर रही थी ना, नहीं इतनी कर रही थी ना, ले उतार लो, कर लेना जो करना है, कर ले बच्चों जो करना है तेरे को, एक काम कर, एक काम कर, उसके घर से सामान उठा, उसके घर से सामान उठा और निकल, और चुपचाप ना अपने घर निकल ले, और तेरे घर वाले जब तेरे से पूछेंगे ना कि बेटा घर क्यों आ गई वापसी, बोल दियो मैं फालतू थी बाहर, इस वजह से मेरे पति ने मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, और जब तेरे मां बाप आएंगे ना मेरे पास मैं यही वीडियो तेरे को दिखाऊंगा, तेरे मां बाप को दिखाऊंगा, वीडियो मजाक समझ रही है तू, ये भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूं, ये भी यूट्यूबर है, और ये ना सोशल मीडिया पे काम करता है, और तेरी वीडियो ना तुझे क्या लग रहा है, खाली वीडियो बन रही है, बैठे देखे माइक, और यहाँ तेरी सारी आवाज रिकॉर्ड हुई है, तू कह रही है ना यहाँ पे पति चूतिया है, और तू क्या कहती थी कि सुसाइड कर लूंगी, फंसा दूंगी, और क्या, अब अगर तू सुसाइड, जा कर, कोई बात नहीं, जा कर, अब निकल, अभी हम कह रहे हैं जा कर ले, काम कर ले, निकल जा, नहीं तो मैं नाली में दे दे के मारूंगा, सुसाइड का मेरे को भी गुस्सा आ रही है, पहली फुर्सत में निकल जा, अब तू चली जा, चल जल्दी, और इसके घर जाके बात करेंगे ठीक है, ये भाई सुगर भी लेके आपा लगा भाई, यार क्या सोचा था भाई यार मैंने, यार टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, टेंशन मेरी लाइफ की लगा दी यार इसने, संभाल पूरी भाई, टेंशन मत ले, देखा आपने यार, सीरियसली मतलब यार इतनी ढीठ इतनी नीच टाइप की मतलब लड़कियां यार, मतलब सीरियसली बोलो, मतलब जितना भी बोलो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो सीरियसली ऐसी है, मतलब एक के साथ अफेयर चलाएं 10 के साथ, अगर बंदा शरीफ है तो भाई उसको लूटो काटो, और उसके फैमिली वाले के अपने माँ बाप होते हैं, दूसरे के माँ बाप की कोई इज्जत नहीं, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पैसे पूरे पैसे देता था उसे, भाई आप तो, अब तू उसे रखना चाहता है या तू तो मेरे लिए भगवान हो भाई साहब, भाई यार देख आपने मेरी इतनी बड़ी बात, ऐसी बात मत कर यार, मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया, इतनी बड़ी बात मत बोल यार, भगवान किसी का कोई नहीं होता, देख अब तुझे रिलेशन रखना है या छोड़ना है बता भाई, क्या मैं यार मजबूर हूँ यार, मैं इससे प्यार भी करता हूँ यार, तू रखना चाहता है छोड़ना चाहता है बता दे, चल ये सुधर जाए मैं छोड़ दूंगा, सुधर सुधारना चाहते भाई, मुझे तो नहीं लगता है सुधरेगी, तुझे लगता है, उम्मीद नहीं है भाई, तुझे लगता है सुधरेगी, भाई मैं मर जाऊंगा इसके बगैर, गाइस मतलब सीरियसली यार पहली बार ऐसी प्रॉब्लम आई है, जैसे तू देख रहा पहली बार है, मतलब ये सीरियसली मतलब इतना ज्यादा हो गया यार, मतलब कि तुझे ना अपने आप को संभालना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहा है, तू तो मर जाएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अब भी मैं लिखवा देता हूँ, अब भी तू लिख के ले रहे मेरे से, वो लड़की फिर एक महीने बाद वैसी है, अब फिर अभी तो तेरी हमने सुन ली यार, बाद में पता है एविडेंस भी तेरे पास रहेगा, सब कुछ तेरे पास रहेगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुनने वाला, मेरे पास से पैसे चाहिए अपने, अब हां तो ये चाहिए, वो चीज हम निकलवा देंगे, उसकी टेंशन मत, ठीक है अभी हम चल रहे हैं उसको, तू ठीक है अभी तेरे घर चल रहे हैं साथ, ठीक है वीडियोस वगैरह लेके, बाकी गाइस देखो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को कमेंट ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो गाइस, और जो नए हैं तो वीडियो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लो गाइस, और बेल आइकन आ रहा होगा प्रेस कर दो, और भाई के चैनल का भी लिंक, भाई के चैनल का भी लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर दो, और गाइस जितना हो सके सपोर्ट करो, वीडियो को इतना फैलाओ कि यार जैसी भाई की दिक्कत है ना और किसी की दिक्कत हो तो गाइस हमारे तक मैसेज पहुंचा सके, भाई से शेयर करो ये दिक्कत, बहुत साथ देते हैं भाई, कोई नहीं भाई, ठीक है गाइस बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, लव यू।